राम राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे अमरूद के पौधों से आप सर्दियों की जो फल किस प्रकार लें, सर्दियों का फल किस प्रकार लें। अमरूद के पौधों पर जैसा कि इस समय कोई भी फ्रूट नहीं आया हुआ है, सितंबर का माह चल रहा है और आपका पौधा जो सर्दियों का फल नहीं देता है, ज़्यादा देता है लेकिन छोटा देता है, कम आकार में देता है, लगभग आपका जो काफ़ी साल का पौधा है, 4 से 5 साल का पौधा है, तो उतनी मात्रा में फल नहीं दे पाता जितनी आपको आवश्यकता है, जितना वह पौधा फल देना चाहिए। ज़बरदस्त फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए अमरूद के पौधे को आप उस पर क्या करें जिससे आपका अमरूद का पौधा सर्दियों का भरपूर उत्पादन दे, तो उसके लिए आपको अपने अमरूद के पौधों की प्रूनिंग करनी होगी, यानी कटिंग करनी होगी। कटिंग किस प्रकार करनी होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आप ये टहनी देख रहे हैं, इस टहनी पर जैसा कि थोड़े पत्ते हटा देते हैं, ये जो नया भाग है यहाँ पर, ये टहनी पुरानी है ये टहनी, और ये जो नया फुटान आया है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा तिरछा काट दें, इस प्रकार काट दें तो आप जो अपने अमरूद की प्रूनिंग एक बार कर दें तो जो आपको सर्दियों का फल है वह आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार आप अपने अमरूद की जो प्रूनिंग यहाँ से कर दें नए भाग की, और पीछे वाला भाग आपको छोड़ना है। जो फरवरी में जैसा कि कटिंग करनी होती है, फरवरी के महीने में तो आप कटिंग करते हैं नीचे से, जो बहुत ही पुरानी टहनी होती है, मोटी वाली टहनी, वहाँ से आप अमरूद की कटिंग करते हैं। लेकिन सितंबर महीने में जो आपको सर्दियों का जो फल लेना होता है, तो उसके लिए आपको जो अपने अमरूद के पौधे की प्रूनिंग करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ से प्रूनिंग करें जैसा कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। इस प्रकार आप अपने अमरूद के पौधे की प्रूनिंग कर दें, ये जो हरा कच्चा भाग होता है यहाँ से आप अमरूद की जो प्रूनिंग अपने पौधे की कर सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर अब ये पत्ते बचे हुए हैं, यहाँ से जो नई ब्रांच निकल कर आएगी, नई ब्रांच आपको बहुत ही तेज़ी से जो फल देना स्टार्ट, जो उसमें नया फुटान आएगा, फुटान के साथ साथ ही उसमें फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग आपकी सारी फल में कन्वर्ट होगी। यदि आपके फूल झड़ जाते हैं, फल झड़ जाते हैं, तो उसी संबंधित उसी प्रकार की वीडियो के लिए भी आप हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी, अमरूद में फूल व फल झड़ना किस प्रकार रोकें। साथ ही साथ जैसे आप प्रूनिंग करने के बाद आपने अपने अमरूद के पौधे की इस प्रकार प्रूनिंग करनी है, कर दी है, तो उसके ऊपर आप क्या लगाएं जैसा कि फंगस का खतरा आपके पौधे को न रहे। फंगस का खतरा आपके पौधे को इस समय बढ़ जाता है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप जो टर्मरिक हल्दी होती है उसका जो पेस्ट बना लें और यहाँ पर कटे हुए भागों पर लगा दें, या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर प्रूनिंग के बाद अपने पौधे पर छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने अमरूद की पौधे की प्रूनिंग कर दें तो आपका जो अमरूद का पौधा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको फल देगा। या फिर इसी के साथ साथ प्रूनिंग के साथ साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं, जैसा कि अमरूद के तने के पास आप 1 फीट की जगह छोड़ दें। 1 फीट की जगह छोड़ने के बाद जब मौसम लगभग सितंबर का माह चल रहा है ड्राई हो जाए, हल्का सा सूखा हो जाए, मिट्टी में नमी ना रहे, मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो जाए, सूख जाए ऊपर से, तो आप अपने अमरूद के पौधे की चारों तरफ से गुड़ाई करने के साथ साथ आप, यदि आपका पौधा 3 वर्ष से कम आयु का है या फिर 3 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है, यदि आपका पौधा 5 वर्ष के आसपास का है, तो आपको 15 से 20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है 1 वर्ष पुरानी, या उसके स्थान पर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और यदि आपका पौधा 3 वर्ष से कम है तो आप 10 से 12 किलो गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। 2 से 3 वर्ष का आपका अमरूद का पौधा है तो 10 से 12 किलो गोबर की खाद लें। उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो बात हम आपको बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जैसा कि आपने सड़ी हुई गोबर की खाद ले ली या वर्मी कंपोस्ट ले लिया, उससे पहले जैसे आज आप गुड़ाई करने वाले हैं, तो आज ही के समय यदि आपका पौधा 5 वर्ष का है तो 500 ग्राम, यदि आपका पौधा 2 या 3 वर्ष का है तो आपको उसकी मात्रा 150 से 200 ग्राम लेनी है। वे जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो
वह होता है पोषक तत्वों की आपकी पूर्ति कर देता है। अमरूद के पौधे में फल नहीं आते, फल भी आएंगे, फूल झड़ जाते हैं, फूल नहीं झड़ेंगे, फल झड़ जाते हैं, फल नहीं झड़ेंगे। वह होता है मस्टर्ड केक सरसों खली। सरसों खली ज़्यादातर किसान भाइयों के पास उपलब्ध रहती है, यदि नहीं है तो आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। सरसों खली लेकर आनी है आपको 500 ग्राम, 5 वर्ष का आपका पौधा है, उसको आप 5 लीटर पानी में भिगो दीजिए। 5 लीटर पानी में उसको किसी धातु के पात्र में आपको नहीं भिगोना है, सिर्फ प्लास्टिक के बर्तन में आपको उसको या मिट्टी के बर्तन में आपको उसको भिजोना है। उसके साथ साथ आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में न रखें, उसको छाएदार जगह में आप रख दें। छाएदार जगह में लगभग 4 से 5 या 5 से 6 दिन के लिए आप उसको रख दें और उसको बीच में एक दो बार चलाते रहें। जब वो 5 से 6 दिन में हो जाए, उसके बाद आपने अमरूद के पौधे पर जो गुड़ाई की है, गुड़ाई करने के बाद आप उसमें उस जो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसको डालने के पश्चात आप ऊपर से उसी जो आपने मस्टर्ड केक का घोल तैयार किया है, उस घोल में आप 5 से 10 लीटर पानी और ऐड कर लें और उसको चारों तरफ अपने पौधे को, पौधे की जड़ों में उसको डाल दें। डालने के बाद जो आपने गोबर की खाद डाली है, उसी के साथ साथ आपने मस्टर्ड केक का घोल डाल दिया, सरसों खली का घोल डाल दिया, तो ऊपर से आप मिट्टी की इतनी लगभग 1 इंच या 2 इंच मिट्टी की परत चढ़ाने की, वह आपका मिट्टी के नीचे दब जाए और ऊपर से आप उसकी हल्की सिंचाई कर दें। यदि नमी बनी हुई है तो हल्की करें, यदि सूखा है तो आप उसकी ठीक ठाक सिंचाई कर दें। उसके बाद आप यदि बरसात होती है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं होती आप उसकी नियमित सिंचाई करते रहें। यदि आपके पौधे में फल नहीं आते, फूल नहीं आते, फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, सर्दियों के भी आएंगे, गर्मियों के भी आएंगे, सारे फल व फूल आपके अमरूद के पौधे पर आएंगे। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे खेती बाड़ी व गार्डनिंग संबंधित इस प्रकार के नए कॉन्टेंट आपको मिलते रहें HSP किसान के यूट्यूब चैनल से।